Hello student, welcome to my YouTube channel. Hope all are very well. Today I will discuss about the formatting of upcoming questions paper format of level 2 and level 1. Okay, and here I will also explain about the number of questions, hours, negative marking, qualifying criteria, everything I will discuss by which you can understand what is the fact of the questions paper. उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे. आज की जो वीडियो है किस तरीके का लेवल 1 और लेवल 2 पेपर होगा उसके बारे में पूरा बताएंगे. उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स रहेगा, कितना समय रहेगा और कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, इन सब चीज़ों पर पूरी चर्चा करेंगे. होप ऑल आर वेरी वेल. एंड नाउ आई वांट ए रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैव नॉट डाउनलोड माई एप्लीकेशन, डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड यू कैन चेक आउट द माई कोर्स विच हैव गिवन द प्रीवियस पेपर गाइडेंस स्टडी मटेरियल. अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर गाइडेंस और स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे. तो होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी. बाय एंड बाय जॉइनिंग माय कोर्स यू कैन गेट वेरियस टाइप ऑफ अपडेट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, सम आर प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर एंड सम सोल्यूशन आर अवेलेबल. होप एंड यू कैन जॉइन माई व्हाट्सएप आफ्टर द कनेक्टिंग विद द कोर्स. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर. अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन पेपर के बारे में. सबसे पहले बात करते हैं लेवल 2 का. ओके, फर्स्टली आई वांट टॉक टू द लेवल 2 पेपर बिकॉज द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द लेवल 2 स्कोर, नॉट लेवल 1. ओके, लेवल 1 जस्ट फॉर क्वालिफाइंग. ओके, बट वंस रिमेंबर क्वालिफाइंग फॉर लेवल 2 इज 50% फॉर जनरल एंड 40% फॉर अदर कैटेगरीज. ओके, 50% फॉर जनरल एंड EWS एंड 40% फॉर अदर कैटेगरी. ओके, पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि लेवल 2 का जो पेपर होगा वो सिलेक्शन होगा, उसी से आपकी मेरिट बनेगी. ओके, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत अच्छे से करना है. फर्स्ट पेपर जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है. इसमें भी आपको कम से कम 50% लाना है जनरल के लिए और 40% अन्य कैटेगरी के लिए लाना है. जनरल EWS के लिए 50% नंबर लाना है, मतलब 100 मार्क्स का है तो इसमें से आपको 50 नंबर अनिवार्य लाना है. ओके, टाइम विल बी द टाइम फॉर लेवल 2 इज 100 मार्क्स, क्वेश्चन मार्क विल बी 100 एंड टाइम फॉर 3 आवर. इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ PWD देन द टाइम विल बी 4 आवर. ओके, समय 3 घंटे का दिया जाएगा. जो PWD से पिछले के कैटेगरी मारते हैं उनको 4 घंटे का समय दिया जाएगा. तो होप ये आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे. ओके, आई डिस्कस अबाउट द व्हाट विल द फॉर्मेटिंग ऑफ द क्वेश्चन. ओके, द पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड ऑफ लेवल 2. ओके, पार्ट ए 50 क्वेश्चन एंड पार्ट बी 50 क्वेश्चन. ओके, द गिवन दिस टाइप क्वेश्चन देयर इज द फॉलोइंग पैसेज आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो. सम पैराग्राफ विल बी गिवन टू यू, कुछ पैराग्राफ आपको दे जाएंगे. बेस्ड ऑन दिस ग्राफ यू हैव टू आंसर, आपको क्या होगा उत्तर देना रहेगा कुछ प्रश्नों के उत्तर का. ओके, एंड नाउ द सम द फ्रेजेज विल बी फ्रॉम पैसेज, यू हैव द फॉलोइंग वर्ड एंड यू हैव टू वर्ड अ फ्रेज ऑफ द फ्रॉम द पैसेज विथ कमिंग. पैसेज के संदर्भ में लेते हुए कुछ प्रश्नों के आपको क्या फ्रेज का उत्तर देना रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2. ओके, द क्वेश्चन इज प्रिसाइज राइटिंग इज 30% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट बट नो चेंजेज ऑफ द एक्चुअल मीनिंग बाई द ऑथर. ओके, आपको एक प्रिसाइज राइटिंग दिया जाएगा जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ बड़ा सा होता है, उसको छोटा करके लिखना होता है पूरे पैराग्राफ को, लेकिन उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए. ओके, होप दी हैव अंडरस्टैंड द प्रिसाइज क्वेश्चन विल बी गिवन. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग्स इज द इन द पार्ट ए विल बी द समथिंग अ ग्रामर वर्ड. ओके, इज द आंसर द 15 एनी ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इंडक्शन प्रोवाइडेड द प्रेजेंटेशन. ओके, आपको यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स दिस टाइप. ओके, आपको इस तरह कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं जिसमें आपको फिलिंग ब्लैंक, करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, जो भी दिया रहेगा वो आपको इंडक्शन के थ्रू आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन करना रहेगा. यू हैव टू सोल्यूशन एज पर द गिवन इंटेंशन इन द ब्रैकेट ऑप्शन, कन्वर्ट द कम्प्लीट सेंटेंस, कन्वर्ट इन द री राइट सेंटेंस, इन द करेक्ट री राइट सेंटेंस. ओके, अंडरलाइन idioms, इन दिस वे यू हैव टू राइट. ओके, नाउ टॉक अबाउट द पार्ट बी. ओके, पार्ट है 50 क्वेश्चन, पार्ट ए में आपका 50 नंबर रहेगा, पार्ट बी में आपका भी 50 नंबर का रहेगा. ओके, हियर यू विल गेट अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको लगभग 3 क्वेश्चन मिलेगा. फर्स्ट विल बी एसे. ओके, सेकंड विल अबाउट द नोटिंग, सेकंड विल बी अबाउट द नोटिंग एंड थर्ड क्वेश्चन में बी अप्रॉक्स ऑफ द ड्राफ्टिंग. ओके, नो ओनली 2 क्वेश्चन है गिवन. ओके, पार्ट ए एंड पार्ट बी, अब ए बी सी. ओके, ऐसे इन सेकंड क्वेश्चन गिवन हियर अबाउट द नोट शीट. ओके,
10 draft. Okay, where is in a draft, you have to write a drafting. If you are given a note, then you have to write a note. Okay, in this way you have to understand about the question, what is asking, and here given a draft letter and given here the note. Okay, so detail noting. In this way you have to write here given you four noting. Okay, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट बी में जो आपका पहला रहेगा आपका एसे का रहेगा, जो 30 नंबर का एसे है, एसे का है आपका 30 नंबर का यहाँ पे. ओके, पार्ट बी जो क्वेश्चन सॉरी पार्ट बी में जो अगला क्वेश्चन रहेगा दो रहेंगे, ए और बी करके. ठीक है, पहले में भी कोई कंडीशन दिया रहेगा उसमें आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग लिखनी रहेगी, उसके बाद में या फिर करके है या क्या और लगा हुआ है. ठीक, एज पर सिचुएशन यू हैव टू राइट है. ओके, जो आपको सिंपल लगे, विच इज सिंपल यू राइट दैट. ओके, एक सिचुएशन यहाँ दिया गया है, यहाँ पे नोटिंग और ड्राफ्टिंग भी दिया गया है. ठीक है, तो आपको यार नीचे वाला करना है, फर्स्ट ए और सेकंड ए और फर्स्ट ए. होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो लेवल टू में है दो ही क्वेश्चन रहेंगे, एक फोर्थ नंबर पर रहेगा आपका ऐसे लिखना रहेगा, एक नेक्स्ट रहेगा नोटिंग और ड्राफ्टिंग लिखने का. चाहे आप क्वेश्चन के पार्ट ए को लिख लीजिए या फिर पार्ट टू को लिख लीजिए. ओके, पार्ट टू को लिख लीजिए. ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द लेवल वन. लेवल वन जस्ट फॉर क्वालिफाइंग. ओके, लेवल वन कैसे क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्या है क्वालिफाइंग है, जिसमें 40% आपको जनरल ओबीसी के लिए लाना है, 33% अदर कैटेगरी के लिए लाना है. ओके, और इसमें जो टाइमिंग है, द टाइमिंग ऑफ फॉर द 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स एंड टाइम विल बी 2 आवर. ओके, बट इफ यू आर ए पीडब्ल्यूडी देन द टाइम विल बी 2 आवर 40 मिनट. ओके, ये चीज़ आप समझ गए होंगे. लेवल वन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग. ओके, अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, व्हाट विल द सब्जेक्ट आई डिस्कस ये. फर्स्टली 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश रहेगा पार्ट ए में. पार्ट बी यू हैव टू चूज, इफ यू आर अ साइंस बैकग्राउंड आर ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग देन यू हैव टू चूज इन एप्लीकेशन फॉर्म जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग इन साइंस. ओके, अगर आपने बीएससी किया होगा या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया होगा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया होगा, तो आपने फॉर्म में पहले ही फिल किए होंगे जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, तो आपको इसका पार्ट ए करना है जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे. अदरवाइज इफ़ यू आर स्टूडेंट फ्रॉम बीकॉम, अगर आप बीकॉम से हैं तो यू हैव चूज एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल देन यू हैव टू चूज ए पार्ट बी. ओके, द 60 क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट विल बी द क्वांटिटी एप्टीट्यूड द 50 क्वेश्चन मार्क्स गिवेन. ओके, एंड नेक्स्ट विल बी द पार्ट बी द जीके फ्रॉम द 20 क्वेश्चन. ओके, 20 मार्क आपका जीके रहेगा एंड नेक्स्ट 20 क्वेश्चन विल बी आप कंप्यूटर के बारे में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा. ओके, तो हैव यू अंडरस्टैंड. तो इस तरीके का आपका पूरा फॉर्मेटिंग रहेगी. तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे. होप यू हैव अंडरस्टैंड लेवल वन एंड लेवल टू फॉर्मेटिंग. होप यू हैव अंडरस्टैंड लेवल वन एंड लेवल टू फॉर्मेटिंग. व्हाट विल द क्वेश्चन मार्क्स, व्हाट विल बी आवर्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ईच एंड एवरी थिंग. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड देन डाउनलोड माई एप्लीकेशन एंड ज्वाइन द क्लास. वी आर स्टडी मटेरियल अवेलेबल एंड प्रीवियस ईयर पेपर गाइडेंस आर अवेलेबल एंड आई कैन कनेक्ट यू. व्हाट योर कन्फ्यूजन वी कैन क्लियर टू यू. आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ ज्वाइन करिए. कोई क्वेश्चन होता है चैट सेक्शन जब पूछेंगे तो हम वहाँ पे बता देंगे. हालांकि समय बहुत कम है, टाइम इज वेरी लेस, बट इफ यू एनी डाउट आई कैन क्लियर टू यू. ओके, सो डोंट फॉरगेट माई यूट्यूब चैनल टू सब्सक्राइब एंड शेयर. तो भूलें ना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे जुड़ी हुई हम आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए. जय हिंद, जय भारत.